गाओ मंगल नित सखिए सुख दुख न व्यापे गुरु चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर ना पे अनहत वाणी गुरु शब्द जानियार रस ऐसे राखे कह नान प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो वाहे गुरु 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 वाहे सारी ही उच्चारण करो जी सतनाम श्री पातशाह जी की कृपा हुई है। भाई हाकम सिंह जी इन्हां दे सपुत्र भाई गुरिंदर सिंह जी समूह परिवार वालों सतगुरु जी का ओट आसरा लिया गया अपने घर ग्रह के अंदर सुखमनी साहब जी दे पाठ करवाए ते जो ये सत्संग समागम रखे गए हैं। धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी महाराज जी दे आगमन दिवस नूं समर्पित हैं ते उन्हां तो जिहड़ी ये संप्रदाय चली राड़ा साहब दे पूर्वज महापुरशां नूं समर्पित किए गए हैं। मीह पिया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गे कलेस हुण जिहड़े सारे ए सारे कला कलेस दूर हो गए क्योंकि एक पासे तो बारिश पै रही है ओ सारे जेड़े हन सुख दे विच तब्दील हो चुके ने जिमें बार मीह पै रहा है फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे नेहों चलां तां भिज्जै कंबली राहां
ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲੋ ਵਰਸ ਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੌਸ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਪੌਸ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਨਾਟ ਮੰਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਐਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਥਾ ਵਖਾਨੋ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਖਾਨੋ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ
अब मैं अपनी कथा बखानो तप सादत एह विद मोहे आनो तन तन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी महाराज अपनी कथा आप वख्यान करते हैं कि इस जन्म दी ही नहीं पूर्व जन्म दी कथा कि असी पिछले जन्म दे विच बहुत तपस्या कीती किथे कीती सारी दसी है हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त श्रृंग सोवत है तहां हेमकुंट हेम क्या बर्फ नो कुंट जिहड़ा उहदे विच सरोवर है निशानी दसी के किहो जी उत्थों दी निशानी है कि सप्त श्रृंग सोवत है तहां हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त सत चोटियां दे विचकार एक कुंड है सरोवर है ते उस दे किनारे ते बैठ के कहिंदे सी तपस्या कीती उहदी होर निशानी दसदे हन सप्त श्रृंग त नाम कहावा पांड राज जह जोग कमावा पांडवां ने भी महाभारत तो बाद अपने पोतरे नु राज भाग दिता ते आप वराग लग्या वराग ऐसा लग्या कि त्याग के सारा घरवार जोगियां वांगू ओ पहाड़ां वल नू चले गए पांड राज जह जोग कमावा उत्थे फिर पांडवां ने भी तपस्या कीती ते आप जी कहिंदे असी उत्थे इन्नी साधना कीती
इतें हम अदक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी इनी तपस्या साधी साधना कीती महाकाल काल दा विकाल अकाल महाकाल काल का उस अकाल दी आराधना कीती तेनी साधना साध दे क्योंकि भगती दो तो शुरू हो के एक ते समाप्त हो जांदी भगत भगवान एक ही हो जांदे ने हर हर जन दुई एक है बिब विचार कृष्ण जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखे समाहे ते दूसरे पासे इस मात लोक दी धरती मृत मंडल जग विच साडे माता ते पिता जी ने भी बहुत साधना कीती योग साधे उत्थे बाबा बकाला साहब विखे किन्ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भोरे च बैठ के गुरु तेग बहादुर पातशाह जी भी ऐसी साधना साध दे रहे तापमात और अलख अरादा बहुविध योग साधना साधा ओ तिन जो करी अलख की सेवा परसन गुरुदेवा हुण उन्हां दी तिन जो करी अलख की सेवा अलख ना लख्या जान वाला अंपर परपार ब्रह्म परमेश्वरम हुण ऐसी साधना तो सेवा तो क्योंकि माता जी धन धन माता गुजरी जी उन्होंने किन्नी सेवा कीती नाल ही कहिंदे साडे पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे नाल सेवा साधना कीती तात मात दोनों ने किन्नियां खुशियां मिलियां ऐसे युग पुरश जिन्हां नूं परमेश्वर ने मैं अपना सुत तोहे नवाजा नवाज के भेजा उस अकाल पुरख ने अपना पुत्र बना के इधर सपुत्र गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे माता जी दे साधना तो प्रसन्न हो के सानू भेजा ते असी आए हाँ कि देखण इस मात लोक दे विच देखने आयो जी जगत तमाशा ओ देखने आयो जी जगत तमाशा देखने आयो जी जगत तमाशा
लखन आयो जी जगत तमसा जगत तमाशा जगत तमाशा जगत तमाशा जगत तमाशा ओ जगत तमाशा जगत तमाशा जगत तमाशा जगत तमाशा देखने आयो जी तमाशा मैं देखने आयो जी तमाशा तमाशा मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा वाहिगुरु 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 गोबिंद सिंह पातशाह जी दा ए फरमान कि मैं हूँ परम पुरख को दासा कि जिहड़ा दासन दास दासां दा भी दास क्योंकि जिन्हें पहला आए सन वो की होया कि उन्होंने आपो अपना ये चला दिता पंथ रास्ता धर्म तो रुक गया सी धर्म क्योंकि सारे दा एक है धर्म यूनीवर्सल करैक्टर का नाम है। एक बारी वड़े वड़े फिलोसफर
रिसर्च सेंटर क्रिड चंडीगढ़ कट्ठे होए उत्थे विचार चली बड़े बड़े फिलोसफर फिलोसफी दी डिग्रियां डॉक्टरेट कीतियां होईयां प्रोफेसर लैक्चरार जिहड़े उत्थे पहुंचे सन सारे बोलदे रहे आखर दे विच धर्म दी परिभाषा जो महापुरशां ने अपने अनुभव तो प्रगट कीती कहण लगे प्यारिओ धर्म कदे दो नहीं धर्म एक है सारिआं दा ही धर्म एक है जिहड़ा हर को नाम जप निर्मल कर्म क्योंकि जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी धर्म नूं चलाउण वास्ते क्योंकि रुक गया सी उहनूं चलाउण वास्ते आई कोई इह नहीं कि कोई क्योंकि धर्म तो एक ही है होर नवा दूजा तो होना नहीं सी पंथ जरूर हन रस्ते हन अंदर दा रस्ता जिहड़ा आत्म मार्ग है वह सारिआं दा एक है धर्म यूनीवर्सल करैक्टर दा नाम है मज़हब कह सकते हैं जिहड़े हुण आपां मज़हब फिरके ने पंथ रस्ते हन ते ए जरूर अलग अलग बाहरों हन पर अंदर तो एक ही है बाहरों नहीं ये गल्लां लभदियां ये तो जदों महापुरशां दी संगत करिए संत संग अंतर प्रभ डिठा अंदरों लभदा क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे जे और सर्च करूँ सैल्फ रिसर्च करूँ इस वास्ते गुरु महाराज जी दसदे कि असी उस एकांत अस्थान ते ए इन्ना साधना कीती कि द्वैत एक रूप होए गए अद्वैत सारे जीवन विच आ गई द्वैत रहे ही ना दूजा रहे ही ना फिर दूजा धर्म तो होया ही नहीं एको ही धर्म है तो रुक गया सी उन्हें चलाउण वास्ते आए सो इस तरह के नाल जिहड़ी अनुभव चो गल आउंदी है वह अपना ग्यान है आत्म मार्ग दे विच छपदा रहा बड़े बड़े फिलोसफरां दे लेख आउंदे ने स्वामी राम जी सुवधी जी भी क्योंकि एक तो बुद्धिमंडल च हन उन्हां नूं बुद्धिमंडल है इन्हां दी एक दी ऐसी साधना रुक गई उन्हां नूं कुबुद्धि कह दिंदा कि उत्थे रुक जाणा बुद्धिमंडल दे दायरे विच इस तो उपर सुबुद्धि है जिन्हां नूं भगती सहत ज्ञान रसीए पुरश हन रसक वैरागी हन वह भगती सहत ज्ञान दे नाल चलदे ने कल्ला ज्ञान तां जिहड़ी ये माया इहनूं मोह लूगी क्योंकि ज्ञान पुरश है क्योंकि एक लिंग है एक पलिंग है इस करके ये जिहड़ा हुण इस्त्री जिहड़ी हुंदा जिवें इहदे नाल कोई माया नूं माया मोह नहीं सकदी भगती भी इस तरह दे नाल हुण इस्त्री लिंग है इस करके इहनूं माया नहीं मोह सकदी जिहड़ा ज्ञान है कल्ला उहदे विच तां आ के फिर जिवें सारे आए सारिआं ने आ के की कीता कि अपने अपना ही नाम चलाउणा शुरू करता दिता अहम ब्रह्म अस्मी इस दे विच पर महापुरशां ने सेवक का होए सेवक वरती कर कर बिनो बलाई ये तुरकी बाणी दी धारना क्योंकि सिद्धांत दी व्याख्या है सरल जिहड़ी धुरता की जांदी है की कहिंदी है बाणी इहदी सरल व्याख्या धारना च महापुरश इस तरह नाल दृढ़ करवाउंदे किते रब बण के ना वैजी सेवकां दा सेवक के ना कांदा सेवक बनी I'm not afraid of the dark.
ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਣਕੇ ਨਾਮ ਵੈਜੀ ਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਂਦਾ ਸੇਵਕ ਪਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੀ ਕਾਂਦਾ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਂਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਵੈਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੀ ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤੀ ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬਲਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ, ਜੋ ਮੋਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਨਿਰਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਦਵੈਤ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਏ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਟਾਹਣੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਲੀਫ, ਪੱਤਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਰੂਟ, ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ,
सब्जेक्ट ते महापुरुष बोलदे आत्म मार्ग च छपदा है। बुक्स बन गई, किताबां किन्नियां बन चुकियां हन, किन्नियां छपण अधीन हन। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे विच सारियां आ गईं। रतवाड़ा साहब .com वैबसाइट है, उहदे उत्ते जाओ, तुहानूं पढ़न नूं मिलणगियां। महापुरश जिवें असीं बोलदे हां, क्योंकि साडा बोलणा तां होर तरहां दा, महापुरखां का बोलणा होवे किते परथाए। परथाए साखी महापुरख बोलदे, सांझी सगल जहाने, संतन की सुन साची साखी। सो बोले जो पेख है आखी, अनुभव च जो आया हुंदा उह बोलदे हन। महापुरशां ने बोलना तां होर सी, पर बाहर कंध ते लिखिया सी गुरद्वारा साहिबान दी कंध जिहड़ी सी दीवार, उहदे उत्ते लिखिया सी गॉड इज वन। महापुरश अंदर आए, कीर्तन शुरू होया, विचार चली, इस ते ही शुरू हो गई विचार। कहिंदे प्यारिओ, तुसीं जिहड़ा बाहर लिखिया है ये सेंटेंस वाक अधूरा है, हुण पूरे दी गल पूरा ही कर सकदा है। कहिंदे इहनां नूं पूरा करन वास्ते अगे लिखो नथिंग एल्स, के इस परमेश्वर तो बिना तो होर है ही नहीं। कोई पुछदा सवाल सानू कि सिखी की है, असी कहांगे गुरमुख नाम दान इशनान, किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। कहिंदे प्यारिओ, ये तो दूजे भी करदे हन, फिर की विलखणता है? क्योंकि जिहड़ा साडा पंथ है ये निराला है। कीनो अपना पंथ निराला, ये जिहड़ा पंथ है, बाबा जी ने जिहड़ी सिद्ध मंडली शब्द जीती, सिद्ध मंडली की तुहानू अपना पंथ निराला। हुण ओह जिहड़ा निराली गल किहड़ी होई? हुण अंग्रेज़ां नू देखो, जे उहनां नू देखिए तां ओह पिन ड्रॉप साइलेंस चर्च च जांदे हन, सैल्फ रिसर्च करदे हन। वंड छकणा बड़ी खुशी दे नाल, गौरमेंट जिहड़ी है उहनू टैक्स दिंदे ने, ते ओह टैक्स फिर वंड छकण वांगू ही है, सांझियां जगह ते लगदा है, डिवेलपमेंट हुंदी है, डू फॉर नेशन डोनेशन कहिंदे हन। ये उन्हां च बहुत है, असी तां अपने मोह च फसे रहिंदे हां। चलो ठीक है, गुण सारिआं च हुंदे ने, सांझ करीजै गुणा केरी, गुणा दी सांझ होनी चाहीदी है। ओह करदे इस तरहां दे नाल हन, चोरी नहीं करदे टैक्स दी, खुशी नाल दिंदे हन। जाण लगे विल करदे ने, वसीयत लिखदे हन, विरासत जिहड़ी हुंदी है ओह नेशन वास्ते लिख जांदे, अपने बच्चियां वास्ते नहीं करदे। हुण ओह भी ये करदे ने, फिर असीं उहनां नूं किवें दसीए कि वंड छकणा, किरत करनी? किरत तां इन्नी ज़्यादा उहनां दे, साढ़े तो वेलियां नूं ही मिली जांदा, कई कोट बैठती ही खाए, उत्थे कई कोट काले थक पाए। किन्ने दिन रात लगे रहिंदे हन, इस करके विलखणता की होई? ये तो वह भी करते ने। महापुरशां ने फिर दस्या कि देखो एम ऑफ लाइफ, हर कोई कह दू कि करा की एम, अंतम गोल की है? सतपुरशां ने जदों आत्म मार्ग मैगजीन शुरू किया, क्योंकि रूहानी संदेश ये सर्वसांझा उपदेश, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा, ये सारे क्योंकि यूनीवर्सल मैसेज है, गुरबाणी सर्वसांझी है, सारिआं नूं उपदेश दे रही है, पर असीं तां दस ही नहीं सके, अपने तक ही सीमित रह चले हैं, अपने भी नहीं अजे समझ सके। ओह फिर सवाल आउंदा कि अंतम गोल की है? कोई पुछ लवे सिखी दा अंतम गोल, तां महापुरशां ने फिर दस्या, अनुभव खुल्लिआ इस ते कि अनुभव जो उहनां दे वी अनुभव च आया, कहिण लगे प्यारिओ इह है एको ब्रह्म दुतिया नास्ति। आत्म मार्ग मैगजीन दा जो टाइटल है,
बाबा गुरिंदर सिंह जी शिंगारदे ने बहुत प्यार नाल अद्धी अद्धी रात टका दे विच बैठ के बनाउंदे ने, महापुरश वरतदे ने। टहल महल तां को मिले जां को साध कृपाल, जिवें इस शहर पटियाला दे विच 700 मैंबर हुंदे, घर घर वंडण दी सेवा किन्नियां ने शुरू कीती। समें दी ऐसी मैल जिहड़ी मन ते पै जांदी गदरश ऐसी कि उह भुल भल गए, थोड़े ही रह गए जिहड़े इस च लगे होए हन। सो टाइटल ते महापुरशां ने ये लिखिया कि एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती। सिखी का जो गोल है गुरु महाराज आप ही दसते हैं, ये है कि जड़ा ब्रह्म दिस ब्रह्म सुने एक एक वखाणे आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानी है। आ जड़ा ब्रह्म का पसार है जिहड़ा महाराज ने कहा दवैते एक रूप होए गए हो, फिर कहिंदे इहनूं हुण शरीर नूं की कहना है, इह है ही उहदे विच जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सनहेओ अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने, नह निंदिया ने उस्तत जाके लोभ मोह अवमाना, हरख सोग ते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निरासा, काम क्रोध जय परसै नाह तह कट ब्रह्म नवासा, गुर कृपा जय नर को कीनी ते एह जुगत पछानी, नानक लीन पियो गोबिंद सिंह ज्यों पाणी संग पाणी। अज का जिहड़ा समागम है जिथे धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं समर्पित है, जिथे उन्हां तो संपरदाय चली राड़ा साहब रतवाड़ा साहब, इस दे पूर्वज महापुरशां नूं समर्पित है। इहदी निशानी की गुरु महाराज आप दसदे हन। सुन लो प्यारियो जीवन मुक्त दी निशानी, प्यारियो जीवन मुक्त दी निशानी, सुन लो प्यारे जीवन लो प्यारे।
जीवन मुक्त दी निशानी। दी निशानी जीवन मुक्त दी निशानी, दी निशानी जीवन मुक्त दी निशानी। निशानी जीवन दी निशानी जीवन मुक्त दी निशानी। जीवन दीन सुन लो प्यारे जीवन दी निशानी। जीवन मुक्त सो कहावे, कौन कहा सकदा है जो इस अंतम गोल एको वरम द्वितीया नास्ती। क्योंकि निशानी है संत संग अंतर प्रभ डीठा, सत्संग करन दा की लाभ है यही है कि विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। उथे वे दवैत रेंदी नहीं उना वास्ते जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहो अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। नह निंदिया ने उस्तत जाके लोभ मोह अपमाना, हरक सोग ते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना। हुण ओदे वास्ते की है, तैसा हरक तैसा सोग, तैसा स्वन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विखाटी, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। हुण ऐसी ये अवस्था प्रैक्टिकल रूप दे विच जिन्होंने सत्संग कीता है, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मिठा, नाम दे विच अभेद होए। क्योंकि नाम सब दे अंदर है, भीखा भुखा को नहीं सब की गठड़ी लाल, गठड़ी खोल न जानिया तां ते पे कंगाल। हुण जदों ये नाम रखना सी, आ नाम जिवें शरीरां दे रख दित्ते, ये तो अलग गल है। अह भी कह देंदे आ कि मैनू फलाणे तो नाम मिल गया, शरीरां दी गल नहीं। शब्द मलावा होते देह मलावा नाही, शब्द धुन है, शब्द दा ध्यान ये अंतम गोल है। धुन विच ध्यान जाना, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने, वो तो पहला प्रतीक है, संपत है, अखीर ते अहंग्रह है, ब्रह्म दिस है, ब्रह्म सुनिए, यही है, ये अंतम गोल है। उत्थे फिर मन साचा मुख साचा सोए। हुण
दूजा तो देखे दे ही नहीं, अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ग्यान ओ अहंग्रह ध्यान, क्योंकि जिहड़ा शरीर है इनू चलाउंदे ने पंज प्राण, फिर इनू जिहड़ी सेंस देंदे ने पंज ज्ञान इंद्रे हन, जिहड़े असी कम कार करदे आ ओह पंज कर्म इंद्रे हन, ते चार होर जुड़ गए 19 तत्। हुण सूक्ष्म ने अगे फिर मन बुद्ध चित्त अहम भाव, ये चार दा जोड़ अंतिशकरण है। अंतिशकरण ते मैल पै गई, सानू आपे दे दर्शन नहीं होंदे, इस करके आपा चिंतन की लोड़ है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सारे भेत अंदर अवस्थावां वो कृपा किन्हां दी कीती, जिन्हां ने अपना तन मन धन सब तो पहला समर्पित किया। आवाज़ आई, पहली आवाज़ ते भाई दया राम जी लाहौर तो चले, चल के गुरु चरणा विच आए। आवाज़ की सी के सीस दी लोड़ है, सब तो पहला पहली आवाज़ ते उठ के खड़े हो गए कि पातशाह मेरा तो कुछ है नहीं कि मैं दे सकता, मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा, इगै निर्गुण उगै सरगुण। उत्थे कहिंदे इत्थे तुसी सरगुण च खेड रहे हो, उत्थे निर्गुण सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। कहिंदे हुण इक्को ही हो गए, दूजे दी गल की करनी है। एको कहिए नानका, ओ कहिए नानका, एको कहिए नानका, एको कहिए नानका, कहिए नानका, को ये नानका, दूजा काहे को, दूजा काहे को, काहे सिमरिया, दूजा काहे सिमरिया, आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख पितू, दूजा काहे सिमरिए, दूजा काहे सिमरिए, आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख पी तू। एको कहिए नानका, दूजा काहे को, दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती। जदों गुरु नू दे दिता सब कुछ, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए, फिर तो आपे ही प्राप्ति हो गई। ओ अपना ही रूप बना लिया, तो उन्होंने ये जुगत दसी, क्योंकि पंज प्यारे अमृत छकाउंदे, उन्होंने जथेदार सब तो पहले भाई साहब भाई दया सिंह जी होए, जिन्हों तो आप गुरु महाराज जी अमृत छकते हैं। गोबिंद राय तो गुरु गोबिंद सिंह जी सिंह नाल लग आते हैं, किड़ी कृपा की साढ़े उत्ते।
ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਹ ਮਿਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਤੇ ਦੇਹ ਮਿਲਾਵਾ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਪਿਆ ਆਤਮ ਸਹਿਜਾਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਵਾਈਏ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਸੁਨ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਦੀ ਜੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਯੋਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਹਦਾ? ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਹੋਂ ਰਵਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਜਗਰੁਨਾ ਇਹ ਹੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੈਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਮੇ ਖੋਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਚੇਤੈ ਏਕ ਤਹੀਂ ਸੁਖੋਏ। ਏਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਏਕੋ ਬਰਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਵੈਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੱਲੇ ਰਿਜਕ ਨਾ ਬੰਨਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਫਰੀਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੰਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਣ ਰੱਬ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਗਤ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਢੀ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜੁਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅੰਸ ਵੰਸ਼ ਬਿੰਦੀ ਅੰਸ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਕਤ ਠਾਠ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਭ ਸਕਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ ਜੋ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ ਵਿਉਹ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਲ ਉਤਰੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਵਿਖ ਫੈਲ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ,
अंतिशकरण मैला पिया शीशा परमापे के दर्शन नहीं हो देता एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती पता नहीं लगता दवैत पई है हूँ किन्ने जन्मां दी है क्योंकि असी जन्म बर्बाद करते किन्ने कर ले हन बैर विरोध काम क्रोध झूठ विकार महालोभ धरो ए आहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लो आपन कर करम इस तरह ये करते करते सानू ये शरीर मिलिया इस करके नू अजाई ना जान दो जदों कोई चंगे भाग होण फिर ऐसे गुर आपा रोज़ अरदास ही करते हैं सतगुर के चरणा च क्योंकि नानक हुक्म न चली नाल खसम चले अरदास हुण उत्थे तां जदों असीं पलैज करते हैं फिर दूजी गल तो रही नहीं सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुत्था जाए इस करके प्रतिज्ञा लेंदे हाँ पलैज लेंदे हाँ कि तेनों आपा समर्पण किया जिन्हें ने कर दिता तो यह जुगत पछानी एको ब्रह्म दी जुगत पता लग गया उन्होंने इस तरह के नाल हुण फिर उत्थों तक पहुँचना जिहड़ा अंतम गोल है ये जुगत चली आउंदी ये संप्रदाय परंपरा जिहड़ी चली आउंदी है क्योंकि जुगत दसते ने फार्मूला दसते हैं फार्मूला जो तक अपलाई नहीं करते जोड़े साइंस पढ़ते ने साइंस के कदे भी जोड़ा ला है कानून है कुदरत दे कानून ने उन्होंने प्रभाषित नहीं किया जा सकता डेफिनेशन नहीं उन्होंने डिफाइन नहीं किया जा सकता साइंस में स्टेट करते हैं स्टेट होंदा कि उहदे नाल मिसाल देनी एग्जाम्पल देनी जे पानी दी एग्जाम्पल है कि किमें बनता तो दो गैसा कट्ठिया करते हैं हाइड्रोजन एच टू तो दूजे पास ऑक्सीजन दोनों नू मिला देंगे ने एच टू ओ वाटर बन गया तो इस तरह इनू सिद्ध करने वास्ते साइंस का जोड़ा ला इनू स्टेट करते हैं वो मिसाल जरूर देनी पैंदी है इस तरह सामने मिसाल है पूर्वज महापुरशा की फिर बाबा वीर सिंह जी बाबा साहब सिंह जी दे चरणा विच रहे उन्होंने किन्नी अज भी उत्थे जाओ ऊना साहब किले दे विच 10,000 दा लंगर छकदे किन्ने नाल ही रहिंदे इन्ने क तां बाकी पता नहीं किन्ने क छकदे बड़े बड़े उत्थे जिथे आटा गुन्नदे बहुत बड़े बड़े चवच्चे बने ने फिर जदों बाबा उधरों मझैल आए माझे दे कहिंदे तुसीं तुहानूं तां नत्थ ही पा सकदा बाबा वीर सिंह जी नूं भेजदे ने नरंगाबाद उत्थे फिर आप जी कोल 12,000 तां शस्त्रधारी नाल ही रहिंदे सन त्यार बरत्यार सिंह ते बाकी होर पता नहीं किन्ना हुण तां गिणती ही नहीं हुंदी तारे गिणे जात है ना तारे गिणे जात है ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਸੀ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਚੱਲੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਤ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸੇ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਛੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਨਿਕਲੀ ਅੰਦਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ 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 ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਰ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਰ ਧਾੜ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ 10 ਕੁ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛਲਣੀ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਈ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਆਸ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ, ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਗਜਨੀ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਜਲ ਵਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 101 ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ 10 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਚ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਲਾਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆ ਇਹ ਹਨ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮ ਦਮ ਜਨ ਨਿਜ਼ਮ ਪਾਲ ਲਏ, ਆਸਣ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਏ, ਧਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨੀ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਯੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਾਈਂ ਨਾਮ, ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਤਾਂ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਿਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ,
जदों उन्होंने कहा कि कितनियां संपर्दावां हन, इन्हां दे मैगजीन चलते ने, सानू भी चलाना चाहिदा है। राड़ा साहब वाले वड्डे महापुरश कहण लगे कि काम तुसी कर सकदे हो, प्रिंट मीडिया, फिर मैगजीन भी शुरुआत 1995 होई, फिल्मां बननियां शुरू होईयां, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, इहदे राहीं फिर जुगत नाल सारे संसार दे विच प्रचार फैलिया। सही महीनों के विच के की शब्द है, शब्द है धुन, धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी, हर के सेवक जो हर पाए, तिन की कथा नरारी रे। सो हुण समा नहीं इजाजत दिंदा, सो समय दे विच समाप्ति करिए। जांदे जांदे जरूर, क्योंकि इत्थे जिन्ने ज़्यादातर पहुँचे ने आत्म मार्ग दे पांधी हन, आत्म मार्ग उन्हां दे घरां विच आउंदा है। जे नहीं भी आउंदा तां जरूर अज अपना आता पता दस के जायो। कोई इहदी बहुती भेटा भी नहीं रखी गई, क्योंकि इह वी लंगर चलै गुरशब्द, इह लंगर है, इहदे विच कोई घाट तां आउणी नहीं। खावै खर्चै रल मिल भाई, टोट ना आवै वध दो जाई, इह च घाटा तां है ही नहीं। तुसीं पता भी दस जाओगे तां वी तुहाडे घर इहने पहुँची जाणा, अपना पता जरूर दस के जायो। ट्रस्ट वालों सारा हिसाब किताब ला के 300 रुपया इहदी सालाना मैंबरशिप रखी गई है, पर प्यार वाले चाहते ने कि घर घर पहुँचे, वो सेवा लै लेंदे ने, वो तो कहिंदे इहनूं फ्री है देवो। हुण हिंदी दीआं पुस्तकां हन सारियां फ्री वंडियां जांदियां ने, कि वो तां तक पहुँचे जिन्हां नूं पता ही नहीं। अज आपां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे दिन मना रहे हाँ, हुण असीं दस नहीं सके, ये महापुरशां ने सर्वप्रिय गुरु गोबिंद सिंह इस दे उत्ते आत्म मार्ग च लेख लिखिया, इहनूं दूजियां भाषावां च वी छपाया। उत्थे सतिंदरपाल सिंह अहूजा, वड्डे वड्डे उहनां दी इंडस्ट्री है, चार कपड़े दीआं मिलां हन, वो स्टाल लाउंदे ने। ते एक वारी ये मैगजीन दे विच इन्होंने छपा के मराठी दे विच सर्वप्रिय गुरु गोबिंद सिंह उत्थे वंडिया, बाल ठाकरे कोले पहुँचया, उहदी चिट्ठी आई कि उन्हें तो अपने हिसाब नाल लिखा कि असी तो होर ही समझते रहे कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जंग युद्ध करते रहे। कहिंदे इह तां सर्वप्रिय गुरु गोबिंद सिंह, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये सिद्धांत गुरु महाराज जी ने दिता। तो इस तरह वो देखो जे उन्हूं दसे ही नहीं, पता ही नहीं सी, नहीं वो होर तरह ही समझदा सी। सो दसण दी लोड़ है। सो तुसीं तां जे इहदे मैंबर हो ता अगे होर दे कोल ले जा के, क्योंकि पूजा अकाल की, दीदार खालसे दा, परचा शब्द, मन नूं परचाई रखना है। मन परचदा किवें? क्योंकि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, ये धुन विच इहनूं, क्योंकि अंदर तां रहना चाहुंदा नहीं सी, फिर उत्थे रख दिता है नाम, उत्थों दी निशानी दस दित्ती, सुन समाद अनहत तहनात। जदों असीं करदे जावांगे धारणा ध्यान समाधि धारणा 12 सैकंड ही, चलो रोक लो, आ जिहड़ी जुगत आपां अपणाउंदे आ, रिपीट करदे आ, अंदर नूं जांदा वाहे, बाहर नूं आउंदा गुरु, चलो अद्धे क मिंट तक तां इहनूं लजाणा चाहीदा, पहला पहला नहीं जांदा, साह टुटदा है, डूंगा जिन्ना साह उन्नी शांति होऊ, क्योंकि काम ते क्रोध विच इहदी रफ्तार ही तेज हुंदी है। है तां गिणती मिणती दे सां गण घाले सब दे सास ने घटण वढण तिलसार, पर ये जिहड़ा है चलत 18 बैस्त 12 सौ विच 24 जाते चलदे ने, इहदी स्पीड वधदी है, काम च कित्थे पहुँच जाती है, 64 सवास 1 मिनट च वेस्टेज हो जाते ने, क्रोध विच 32 डूंगा सवास लै लो, जिहड़ी लोभ लहर है गाल इहनूं गालदी है लोभ, क्योंकि लोभ विच काम ते क्रोध दी जड़ है। लोभ आऊगा तां साडी निगाह जावेगी पराए धन ते पराए तन ते, जे इहनूं परा कर देवांगे तां कि कहिंदे उह ते आपे उहदे तां कि निकट वसै नर हरी, आपे उहदे नाल तां फिर उहदे विच ही समा गया। इस करके
बड़ी सखैन जुगत दसी है। ये जुगतियाँ हैं, परचा शब्द है, हुण मन नूं परचाई रखना है, शब्द है धुन, धुन में ध्यान, हुण उत्थे तक जाण वास्ते जुगतियाँ ने किवें करना है। 12 सैकेंड श्वास डूंघा चला गया, उत्ते वाहे सवार हो गया, छड्डन लगे गुरु, फिर ये 12 धारना का एक ध्यान बन जाता। 144 सैकेंड 2.5 मिनट समझ लो, ये एक ध्यान बन गया, एक ध्यान लगन लग गया, 2.5 मिनट रुकन लग गया, 12 ध्यान दे फिर एक समाधि बन जाती है, उन्होंने 1.5 घंटा कहिंदे ने। फिर वो समाधि भी है उत्थे दा, फिर जिहड़ा वार्तालाप है सुन समाध, एक तो समाधि है सावकल्प, एक निर्विकल्प है, एक ऐसी समाधि संप्रग्ञात असंप्रग्ञात है। उहदे विच जिहड़ी सुन समाध, उहदे विच की दसे, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नारना पुरख कहूँ को कैसे, सोए अनुभव का विषय है। आप जरूर इस विषय में छोहो, बाकी तो चलो आप करते ही रहते हैं। ये सत्संग है, संत संघ अंतर प्रभ डिठा के अंदर का जाण का रस्ता खुल जाए। सो जरूर ये मैगजीन लैके जायो, पुस्तक हैं एक एक विषय पर लिखिया हुई, सबजैक्ट नू लैके बहुत सोहना किब सचियारा होया कि किस तरह के नाल होना, किब कूड़े तुट्टे पाल पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह को आया, सवाल सी रमज च गल होई, उहने कहा कि ये किवें होवे जिहड़ी आत्मा परमात्मा का मेल। वो कहिंदे जिवें रात ते दिन का मेल, कहिंदे महाराज दिन हुंदा तां रात नहीं, रात हुंदा तां दिन नहीं। फिर कहिंदे किवें, कहिंदे जैसे झूठ ते सच दा समेल, कहिंदे ये तां हुंदा ही नहीं, जिथे झूठ है उत्थे सच नहीं, जिथे सच है उत्थे झूठ नहीं। कहिंदे समझे नहीं, कहिंदे जिवें समझे उवें ही सही, क्योंकि अवस्था है। उहदे नाल पहलां बहुत सी सत समरीत नाल ही आए सन, नमस्कार करन दी जगह दस्त पंजा लिया कि समर्पित ना कर सकया, पर जदों इस गल समझ रमज दी भेत दी समझ आ गई, फिर तां वजत चा के नचना शुरू कर दिता, आनंद 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 ही वरत गया। फिर देख लो किड्डा उन्होंने सैक्रीफाइस किया, आपा समर्पण किया, वह समर्पित हो के लाद खेप संतै संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल। हुण वह विख्या जिहड़े जंजाल हन पे होए गल, उन्हां दा तां त्याग करो, क्योंकि जिहड़े विषय विकार हन इन्होंने जिहीं फिर जन्म मरण के चक्कर च पा देने ने। सो फासन की विद सब को जान, ये तो सारे ही जानते ने, दसन की भी लोड़ नहीं। तो जिहड़ी छुट्टण दी है वह आपां गल करनी है। सो ये परचा शब्द आ, मन नूं परचाई रखो, धुन बना के भी महापुरशां ने दिखाई, प्रतीक हुंदा है। जे उन्होंने धुन बनाई अंदर नूं जांदे वाहे, बाहर नूं आउंदे गुरु, यही करो सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सो इन्नी बेनती नूं प्रवान करो, गल पूरी नहीं कीती जा सकती, समा समाप्त हो जाता है, मौखिक बचन भुल जाते हैं, लिखत च आ गए ये सदा याद रहिंदे ने। सो जरूर लैके जाते जाते जे होर ने कोई पुस्तक लै जाओ, जरूर कल्ले बैठ के विचारियो, पढ़ियो, पढ़ के जिहड़ा हुंदा है जिस तरह के नाल कड़ कड़ के फिर पता लगता है, फिर आपां नूं सारी गल समझ आ जाएगी। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करना। बड़े अनुभवी पुरश हन भाई गुरिंदर सिंह जी राड़ा साहब, फिर इत्थे दवलान तो बाबा हरजिंदर सिंह जी दे घर इन्हां दे चरण पैंदे रहे, संगत कीती, आत्म मार्ग आप पढ़ते होरां नूं पढ़ाउंदे ने, ते अज दा समागम भी इन्हां ने ही रख्या कि राड़ा साहब दे पूर्वज महापुरश धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के आगमन पूर्व जो कल नूं आ रहे ने। सो एडवांस विच ही सानू सारयां नूं वधाइयां, अगाहां कुतरां कृपा होवे पातशाह जी, कृपा करन पिछा फिर ना मोहड़ा, नानक सिज अवेहा वार, बोहर वी जन्मड़ा फिर बोहर हम काहे आवेंगे। आखिरी श्वास ते आ गया, आपे गुरु लोक नूं लै जाओ। सो जाते जाते जरूर ये भी करके जायो, आत्म मार्ग के मैंबर बनो। बार बाबा राम सिंह जी बहुत प्यारे ने, उधर जिहड़ा आनंदपुर साहब का इलाका 1000 मैंबर संभाली बैठे ने, पहला हर महीने फिर वंडना,
मैंबर बनाउणा अज इत्थे भी आए सो जरूर जांदे जांदे उन्हां नूं मिलियो ड्यूटी च दरबार साहब दे बाहर वो बैठे हैं स्टाल लगी है जरूर कुछ ना कुछ लेके जायो मंग कोई नहीं क्योंकि संप्रदाय ऐसी है चार पदार्थ जे को मंग है साध जना की सेवा लागे इहदे विच कोई अपील दलील नहीं कोई अगराही नहीं सो पता ही दे दो तां भी हो जू नहीं तो 100 रुपया प्रेम भेटा है मैंबर जरूर बनियो सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करो बेनतियां करदिया अनेक ही भुल्लां हो जांदियां ने माफ़ करो आओ सारे हुण जिहड़े नहीं भी बोले आनंद साहब च बोल के अपनी रसना जरूर पवित्र करो जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सत गुरु मैं पाया हो दो तगव हरी तेरा हालत नहीं बसाया हर नाल रत मेरे दुख साबे सारना हो कह नानक मन मेरे हर नाले नाही कर इस देहे सो सदा सिफत सलाह तेरे नाम मन बसावे ए आम जा नाम रोयो दर साथ नाम और मेरा दिन भुखा सब गवाइया कह नानक सुनो संतो तरो पे आरो साचा नाम मेरा आधार आजे तोरे कर्म पाया तू जिन को थे नाम हर के लागे पार ब्रह्म प्रभ पाया रे सुलभ सूरे हुण ते पनीत कहते पवित हपर पूरे सात दुए ताई तायक मैस गुलिस्कत हो जिनी नाम ते आया जे कत काल धन है धन है गुरु नानक साहिब जी धन ओ
तन गुरु अंगद साहिब जी तन तन है गुरु अमरदास जी तन तन रामदास जी तन तन है तन है गुरु देव जी तन तन हर राय जी तन हो तन गुरु हर कृष्ण जी तन तन है गुरु तेग बहादुर तन हो तन गुरु गोविंद सिंह जी तन तन हे गुरु ग्रंथ साहिब जी तन ओ तन पंथ खालसा तन है तन है तन है तेरी साथ संगत जी तन सतनाम श्री गुरु बोल वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु ओ वाहिगुरु वाहिगुरु प्यारे आ तेरा प्यारा लगेगा बोल पे वाहिगुरु वाहिगुरु तेरा मिठड़ा लगेगा प्यारे हो वाहिगुरु वाहिगुरु तेरा कृष्णा लगेगा मोल प्यारे सत नाम तेरे गुरु बोल गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तू ठाकुर तुम पैर जियो पिंड सब
तुम मात पिता हम माए
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਸਾਧ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਢਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਏ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਣੇ ਬੀਜਿਆ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸਵਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ, ਸੁਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਗਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਸਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸੋ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਦੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਅਰਦਾਸ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਕਈ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੂਰੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਰੀ ਕਾਜੋ
जामा मन के मिटे बसुए परमा पैतरे चुके पै जमके कट कट एक रिया पर तुरे नाम सरना परियो भंजन अंतर बार